नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए वही प्रॉफिट एंड लॉस जो कल मैंने स्टार्ट किया था पार्ट वन, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू आपको समझाऊंगा मैं। तो पार्ट वन में हमने आपने देखा था कि उस वीडियो में हमने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से शुरू किया था और उसका कंसेप्ट मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है, परसेंटेज कैसे उसकी कंसिडर की जाती है। तो आज थोड़ी सी उससे लेवल थोड़ा सा हाई लेते हैं और आपको ये कंसेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल कहा था तो धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के टिपिकल एग्जांपल्स लेंगे, तो दो चार दिन में ये आपको सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, मुझे आशा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 1050 ए मैन लॉसेस 16.23% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब किसी आदमी ने एक चीज को जो है वो 250 रुपए में बेचा और उसे नुकसान हो गया, लॉस हुआ 16.23%। तो कहता है कि वो कितने में उसको बेचे कि उसको जो प्रॉफिट है 20% हो। तो ये दो केस हैं। फर्स्ट केस में क्या है, हमारे फर्स्ट केस में है क्या दिया हुआ हमें, एसपी दी हुई है, एसपी दी है 1050 और लॉस दिया है 16.23%। सेकंड केस में क्या है, इसमें हमने सीपी निकाल ली है और सेकंड केस में क्या है हमें ये प्रॉफिट दी है 20%, तो हमें इधर निकालना है एसपी और यहां निकालनी है सीपी। तो क्या करेंगे, इसको वन स्टेप में हम करेंगे, ऐसे दो स्टेप में भी कर सकते हैं, तो हम इसको वन स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा क्विक मेथड कैसे करना है। पहले इसको देखिए, लॉस जो है 16.23 का बनाएंगे, इसका क्या बन गया 50/3%, परसेंट मतलब 1/100, 15 × 15 टू ये बन गई फ्रैक्शन इसकी 1/6। ऐसे ही इसका भी बनाकर दिखाता हूँ मैं, 20% का मतलब 1/5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे। हमें पहले इस केस में क्या है, हमें 1050 दिया है, एसपी दी है, ठीक है जी, एसपी दी है, ये वाला केस ले रहा हूँ, एसपी दी हुई है, ये हमारी एसपी है, हमें निकालनी है यहाँ सीपी। तो ये जैसे मैंने कल बताया था, ये हमारी क्या है सीपी और ये हमारा क्या है लॉस। तो इस केस में हमारा एसपी क्या होगा, लॉस है तो एसपी क्या होगा, कम होगा, मतलब 6 में से 1 निकालेंगे 5। तो ये जो वैल्यू है ये एसपी दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो आएगा ये 5 है, अगर ये सीपी 6 है और एसपी 5 है तो ये हमारा आएगा 6/5। तो आप बोलेंगे कैसे किया, ये चीज ध्यान रखनी है, जो चीज हमने निकाली है ये किसकी वैल्यू दी हुई है, 1050 किसकी वैल्यू दी हुई है 5 की, तो हमने 6 की निकाली है, जिसकी निकालनी है ऊपर रखना है। तो इसको हम, ये हमारी क्या आ गई सीपी, ठीक है जी। अभी सीपी दी हुई है सेकंड केस के लिए, हमने एसपी निकालनी है और इसका ये दिया हुआ प्रॉफिट, इसका मतलब ये क्या प्रॉफिट है और ये क्या है सीपी है। तो एसपी हमारी इस केस में कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट है तो एसपी कितनी हो जाएगी, अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 6, ठीक है जी। तो इसमें हमें क्या है सीपी दी हुई है, हमने एसपी निकालनी है। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो चीज दी हुई है उसको नीचे रखना है और जो निकालनी है उसको ऊपर रखना है, तो जो निकालनी है उसको ऊपर रखना है। तो क्या क्या दी हुई है हमें, इसमें क्या दी है सीपी दी है, तो सीपी को हमने नीचे रखना है 5 और एसपी जो निकालनी है, एसपी निकालनी है तो उसको हम ऊपर रखेंगे। तो इसको हल करिए, ये हमारी सीपी निकलेगी, तो 5×5=25, 100/42, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6×6=36 और 42 और 36 ये हमारा आंसर आ गया 1512, ये हमारी कास्ट प्राइस आ गई। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी स्टेप है, ये समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आप करेंगे तो आपको
विद इन सेकेंड्स हो जाएगा ये जो है ये वाला केस। अगर वैसे करेंगे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट दिया हुआ सीपी दी है, प्रॉफिट दिया हुआ तो एसपी निकालेंगे। उसको शॉर्टकट में हमने कैसे कर दिया, पहले बिना कैलकुलेशन के ये सीपी निकाली और उसके बाद हमने एसपी निकाली और उसके बाद हमने सीपी निकाल दी। तो दोस्तों मुझे आशा है ये आपको पसंद आया होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए दोस्तों दूसरी एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों दूसरी एग्जांपल लेते हैं, कास्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो दोस्तों इसमें नहीं कास्ट प्राइस दी है, नहीं सेलिंग प्राइस दी है, और हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालनी। तो कितना टफ जैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन जब हम मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो सो इजी, इतना आसान है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या दिया है, कास्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, इसका मतलब कास्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितने 14 आर्टिकल्स, मतलब सीपी बाई, इसको इधर लाएंगे, सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 14/16। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 2 7 8, तो ये हो गया हमारा 7/8। इसका मतलब सीपी क्या है, अगर सीपी 7 है तो एसपी कितना है, 8 है। तो ये हमें क्या क्या लग रहा है, क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सामने दिख रहा है कि एसपी ज्यादा है, कास्ट प्राइस कम है, तो ये क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो 1 हो रहा है। ठीक है जी, 1 1 हो रहा है। तो वो इसका हमने परसेंटेज निकाला, उन्होंने क्या है प्रॉफिट और लास्ट परसेंट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज किस पे निकलती है, पहले भी मैंने कल भी बताया परसेंटेज हमेशा जो है चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा वो कास्ट प्राइस पे निकलनी है। तो एक है तो किस पे है, वो सीपी पे 7 है, इसकी परसेंटेज निकाले इंटू 100 है, तो ये हो गया 100/7। इसको डिवाइड करिए, 7 1 7 तो 30, 7 4 28 28, तो 2 बचा 20, 7 2 14 60, 7 8 जा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर कास्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स की इक्वल टू है वो सेलिंग प्राइस 14 आर्टिकल्स की, तो उसको प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 14.28%। तो दोस्तों आपने देखा कितना टफ लगने वाला क्वेश्चन, कितना आसान है। और ये वाला जो है ना दोस्तों, जो ये वाली फ्रैक्शन वाला मैंने बताया, डिवाइड करके बताया कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो मैं आने वाले दिनों में किसी वीडियो में मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म करने से पहले आपको एक मैं वो एक टेबल दूंगा जिसमें इस टाइप की फ्रैक्शंस होंगी। जैसे मान लो कि जैसे है 42/7%, 25/4%, इस टाइप की जो फ्रैक्शंस है उनका, इन टाइप की परसेंटेज है उनका सीधा फ्रैक्शन में कितना आता है, जैसे 1/6 है, 1/7 है, 2/3 है, इस टाइप का टेबल है, वो आप याद करेंगे तो आपको इसको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सपोज ये आपको ये याद होता जैसे 100/7 कितने, तो वो उस टेबल से ही आपको ओरली आ जाएगा कि ये 14.2% बनता है। तो दोस्तों आज का प्रॉफिट एंड लॉस का इतना ही मैं कहूँगा, मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको लाइक शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।